गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम आवर श्री मेमोरियल एकेडमी स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई एम योर न्यू टीचर, माय नेम इज़ रश्मि माथुर। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आज चैप्टर एक, जो हमारे हिंदी का फर्स्ट पार्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सबसे सीखें। तो इसमें क्या किया गया है, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, उससे हम लोगों को क्या कहा गया है, सीख लेने के लिए कहा गया है कि हम लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बादल हैं, चाहे सूरज की रोशनी है, चाहे पंछी हैं, जो पक्षी लोग होते हैं वह है, चाहे हवा है, उससे हम लोगों को क्या कहा गया है, सीख लेने के लिए कहा गया है कि हमको उससे शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी तरह हमको नम्र बनना चाहिए कि जिस तरह से वो लोगों को कुछ सिखाते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी कुछ सीखना उनसे चाहिए। तो उसमें क्या क्या सिखा रहे हैं वो, जैसे उसकी फर्स्ट लाइन है, बादल कहता धन पाकर झुक जाओ कुछ नम्र बनो, औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। बादल क्या कह रहा है, आज बादल है, ठीक है, बादल क्या होते हैं, आसमान में होते हैं। तो बादल क्या करते हैं, सबके लिए बरसते हैं, पानी देते हैं हम लोगों को, है ना। बादल से ही क्या होती है, वर्षा होती है। अगर बादल अहंकार करने लग जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बारिश होएगी, नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग क्या हो गए, पानी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा, हम लोग प्यासे मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि फसलों को क्या मिलती है, पानी मिलने से ही फसलें उगती है। तो वैसे ही क्या करते हैं, बादल ये कहता है कि क्या, जो व्यक्ति को बोल रहा है कि अगर आप लोग धनी हैं, धन है आपके पास, बल है, तो क्या है, आप लोगों को अहंकार नहीं करना है, कुछ नम्र बनना है और लोगों के हित में काम करना है। चंचल पुलक किरणन कहती सारा जग जगमग कर दो, दीन निराशा हृदयों के भीतर आशा उजियारा भर दो। जो किरणें हैं हमारी, सूरज की किरणें हैं, वह क्या करती, चारों तरफ फैलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जगह नहीं आ रही है, दूसरी जगह नहीं आ रही है, वह सब जगह क्या होती है, समान तरीके से फैलती है और सारे जग को क्या करती है, जगमग करती है, सारे जग में उजियारा करती है, सारे जग में उजाला फैलाती है और क्या करती है, सबको एक अच्छी रोशनी देती। वैसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों के ऊपर दया दृष्टि दिखानी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सब लोगों को, जो जितने भी गरीब लोग हैं, है ना, उन लोगों की हेल्प करने चाहिए, उनके ऊपर हमको रुष्ट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ, सूरज के जगने से पहले उठो काम पर लग जाओ। आप लोगों ने देखा है जब सुबह उठते हैं तब क्या होता है, हमारे उठने से पहले क्या हो जाते हैं, पक्षी उठ जाते हैं, क्या करते हैं, वह जल्दी उठ जाते हैं, सूरज उगने से पहले ही वह लोग उठ जाते हैं। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि हम लोगों को पक्षियों से सीखना चाहिए कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर हम लोगों को अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमारा शरीर क्या होता है, एकदम सुचारू ढंग से चलता है, हम लोगों को आलस नहीं आता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो वो पक्षियों से ही हमको ये शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज उगने से पहले हम लोगों को उठ जाना चाहिए। फिर ये शीतलमय पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो, हंसो हंसाओ लहराओ नित, चेतन और सुशील बनो। शीतल मलय पवन, पवन यानी हवा, हवा हम लोगों को क्या कहती है, जो शीतल हवा, ठंडी हवा जो चलती है, वह कहती है हम लोगों को हमेशा क्या रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए, यानी हम लोगों को चलते रहना चाहिए, हम लोगों को क्या रहना चाहिए, चुस्ती फुर्ती वाला रहना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग आलसी नहीं रहेंगे, गतिशील रहेंगे, हम लोग चलते फिरते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों में शिथिलता नहीं आएगी और हम अपना सारा काम अच्छे से कर सकेंगे। और क्या कहती है वो, हंसो हंसाओ लहराओ नित, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए और लोगों को खुश रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम लोगों को अच्छा व्यवहार सब लोगों से रखना चाहिए, बुरा व्यवहार किसी से नहीं रखना चाहिए और हम लोगों को ईमानदारी से हर काम करना चाहिए। ये है हमारा पहला पेज, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब दूसरा पेज, दूसरे पेज पर क्या लिखा है वह भी हम पढ़ेंगे।
अब है दूसरी लाइन, बहती सरिता नित कहती, क्या है, बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ, जैसी जिसकी प्यास जरूरत पूरी करके सुख पाओ। सरिता, सरिता मतलब नदी, आज हमको नदियों से पानी मिलता है, तो वह क्या कहती, बहती सरिता, नदी जो क्या करती है, वह हमेशा बहती ही रहती है। वह कहती है कि वह जो बहती सरिता, वह कहती है कि हमको हमेशा सबका हित करना चाहिए, हमें हमेशा सबके काम आना चाहिए, जिसकी जैसी जिसकी प्यास जरूरत पूरी करके सुख पाओ, यानी जिसको भी जितनी भी ज़रूरत हो, अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें उसको पूरी करनी चाहिए और उसमें उसको भी सुख मिलना चाहिए और हमको भी सुख मिलना चाहिए। अगर हम किसी के दुख में काम आते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है और उसको भी खुशी होती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जो नदी है, बहती नदी, वह हमको क्या कहती है कि हमें सबका हित करना चाहिए, सबके सुख में सबके दुख में काम आना चाहिए और सबकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। फिर है जर्जर जर्जर निर्जर कहता है, मत बाधा अवरोध सहो, अपनी राह बनाओ श्रम से, शक्ति भय से कभी ना हो, शंकित भय से कभी ना हो। जर्जर निर्जर कहता है, जो झरना है वह क्या करता है, हमेशा बहता रहता है। तो जो झरना है वह बहता रहता है, तो वो झरना जो है वह क्या कहता है, बाधा मत बाधा अवरोध सहो, अगर आपकी तरक्की में, अगर आपके किसी भी काम में कोई बाधा आ रही है तो आप क्या करो, उसको सहो मत, उसको सहन मत करो, अपने श्रम से अपने परिश्रम से उस राह को, उस बाधा को क्या करो, दूर करो। हमेशा यूँ नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें, बैठ जाएं, नहीं, आपको बैठना नहीं है, आपको अच्छे से उसका सामना करना है और सामना करके उस बाधा को अपने रास्ते से हटाना है। और आपको क्या करना है, डरना नहीं, अगर आपके पास कोई भी बाधा आए तो आपको डरना नहीं है और उसका शक्ति से क्या करना है, उसका श्रम से आपको बाधा को दूर करना है। फिर है लहर लहर सागर कहता है, बल पाकर गंभीर बनो, मर्यादों को कभी न भूलो, बलशाली और धीर बनो। लहर लहर सागर कहता है, सागर यानी समुद्र, समुद्र आपने देखा कितना अता कितना होता बड़ा है ना, तो वह क्या कह रहा है, बल पाकर गंभीर बनो, अगर आपके अंदर शक्ति है तो आपको क्या करना है, अपनी शक्ति का पूरे अच्छे से क्या करना है, उसका उपयोग करना है। लेकिन अगर आपकी अंदर शक्ति आ गई है, अगर आपको अंदर बल आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका बल का प्रयोग गलत तरीके से करना है। अगर आपके अंदर बल आ गया है तो उसको अपना अच्छे से प्रयोग करना है, अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो आपको उसको दूर करना है तो आपको उसका क्या करना है, अगर आपके अंदर बल है, शक्ति, अगर आपके आपके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए, यानी अपनी जो मर्यादा है कि हमको हमारे को लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, उसको हमें कभी नहीं भूलना है, उसका हमको अच्छे से पालन करना है। बलशाली और धीर बनो, हम लोगों को क्या करना है, बलशाली बनना है, धीर बनना है, धीर यानी धैर्य, हम लोगों को हर चीज़ में क्या करना है, धैर्य रखना चाहिए। हर जगह यूँ नहीं है कि फटाफट फटाफट सब चीज़ कर लें, हर चीज़ को करने में टाइम भी लगता है, समय लगता है, लेकिन हमको उसमें क्या करना है, धैर्य लाना है। हर चीज़ को करने में टाइम लगेगा लेकिन हमको धीरज धरना है, हर चीज़ को करने से हमको धीरज करना, अगर हम धीरज धरेंगे, धैर्य रखेंगे तो वो चीज़ हमारी जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है वह क्या है, पार्ट एक, सबसे सीखें। तो आज हमने इसमें किस से सीखा, हमने बादल से सीखा, नदियों से सीखा, झरने से सीखा, जो लहरें, सागर की जो लहरें होती है उससे हमने सीखा, है ना, किरणें, सूरज की जो किरणें हैं उससे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा, पंछी जो चहचहाते हैं उससे भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, धैर्य सीखा, लोगों की मदद करना सीखा, ठीक है ना, मर्यादा में रहना सीखा। तो इस चैप्टर से हमने ये सब चीज़ें सीखी। तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें यह जो कवि है क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावना है, वह आपको अच्छे से पढ़नी है, सीखनी है और इसको लर्न करना है। ओके,
थैंक यू।